बीजेपी शासित राज्यों यूपी और एमपी में अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मुद्दे को लेकर अब छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश में मुद्दा बना लिया है। खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने घोषणा करते हुए कहा है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर प्रदेश में अपराध करने वाले अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को छत्तीसगढ़ बीजेपी का प्रेसिडेंट बने हुए अभी एक साल पूरा हो चुका है। इस मौके पर हिंदूवादी संगठन छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय संघ के कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में बधाई देने पहुंचे। इस मौके पर कार्यकर्ता बुलडोजर को अपने साथ लेकर प्रदेश बीजेपी के ऑफिस पहुंचे और साथ लाए बुलडोजर से ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव पर फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया। बुलडोजर को लेकर अरुण साव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ की प्रकृति शांत है। इस कांग्रेस सरकार ने अपने इस 5 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ से विकास का विनाश किया है। ऐसे छत्तीसगढ़ को फिर से शांति का गढ़ बनाने, अपराधियों पर कानून का भय स्थापित करने, प्रदेश की खुशहाली के लिए छत्तीसगढ़ में बुलडोजर चलाना आवश्यक है। बीजेपी आएगी, अपराधियों पर बुलडोजर चलाएगी। इस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है, माफियाओं का गढ़ बन गया है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लगातार लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं हो रही है, अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं और ये छत्तीसगढ़ के लोग सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है और जिस प्रकार से अपराध लगातार बढ़ा है, छत्तीसगढ़ की शांति व्यवस्था के लिए, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए छत्तीसगढ़ में अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है। बुलडोजर को लेकर अरुण साव ने कहा कि मैं प्रदेश के सभी युवाओं को पुनः स्पष्ट कर दूं कि भाजपा आएगी और अपराधियों जिहादियों पर बुलडोजर चलाएगी। बीरनपुर की घटना को ना मैं भूला हूं, ना प्रदेश भूला है। भुवनेश्वर साहू के बलिदान को नहीं भुलाया जा सकता। भुवनेश्वर साहू के पिता जो सिर्फ बेटे के इंसाफ की मांग करते हैं, उनसे पंचनामा बताकर धोखे से भूपेश सरकार के अधिकारी छल पूर्वक नौकरी और राशि के सहमति पर हस्ताक्षर करा ले गए। हम सब बीरनपुर की घटना को नहीं भूले हैं। बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू नामक एक युवक की निर्दयता पूर्वक हत्या की गई और भुवनेश्वर साहू के पिता श्री ईश्वर साहू जी हमारे बीच में हैं। उनके पिता का केवल एक ही कहना है कि मुझे सरकार से कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटे की निर्दयता पूर्वक हत्या हुई है, उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, उन्हें न्याय मिले। परंतु अभी एसडीएम और तहसीलदार ने धोखे से उनसे कागज पे दस्तखत कराया। इन्होंने ईश्वर साहू जी ने सरकार के राशि लेने से, नौकरी लेने से मना कर दिया था कि मैं सरकार से कुछ नहीं चाहता हूं, केवल न्याय चाहता हूं। पीएसडीएम और तहसीलदार ने धोखे से ये तो पंचनामा बनाया और उनका दस्तखत ले लिया कि मैं राशि लेने, नौकरी लेने सहमति देता हूं। कभी आप लोगों ने देखा है कि ऐसी सहमति ली जाती है और उसका खंडन ये ईश्वर साहू जी और गांव के लोगों ने किया है कि ऐसी कोई सहमति हमने नहीं दी है। आपके बीच में ये बताता है कि आज राज्य की भूपेश बघेल की सरकार भुवनेश्वर साहू के हत्या के मामले को किस प्रकार से दबाना चाहती है, किस प्रकार से ईश्वर साहू को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों से साव बुलडोजर पॉलिटिक्स पर खुलकर बोलते हुए दिखे हैं। यूपी और एमपी में बीजेपी सरकारों ने क्रिमिनल्स के मकानों, दुकानों को अवैध बताकर बुलडोजर चलाया था। यूपी के चर्चित विकास दुबे एनकाउंटर के बाद ये बुलडोजर वाली कार्रवाई चर्चा में आई थी।